लीजिए जनाब, अब आपके बच्चे दुरुस्त हैं। मैंने अपने जादू से इनको ठीक कर दिया। बच्चों, बस यही होगा तुम सबका इलाज। चलो आगे चलते हैं। हाँ, मेरे बच्चे ठीक हो रहे हैं। जान से अपने बच्चे का इलाज करवाएं। मैंने बहुत सुना है इनके आपके बारे में। बहुत उम्मीदों से आई हूँ। रुकिए, रुकिए। सबके बच्चों का इलाज होगा। तुम अंदर आओ। अरे काशिमिया, कहाँ आगे चले जा रहे हो? हम भी अपने बच्चे के इलाज के लिए खड़े हैं और तुम ऐसे ही आगे चले जाओगे? और इतनी बड़ी फौज लेके जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। अरे पीछे मैं नहीं, तुम लोग पीछे हटो। तुम लोग जानते नहीं हो, मैं और हकीम साहब हिस्सेदारी में अस्पताल खोलने वाले हैं, जहाँ पर हकीम साहब बच्चों का जादू से इलाज करेंगे और बाकी के इंतजाम मैं देखूंगा। तब उनसे मिलने से पहले ना मुझसे मिलना पड़ेगा तुम लोगों को। जाओ पीछे हट जाओ। तब की तब देखी जाएगी, पहले पीछे जाओ। चलो चलो चलो, आ जाओ आगे। आपके बच्चे का इलाज होगा, आप सवार रखिए, सबको मौका मिलेगा। बारी बारी आ रहे, रुकिए। ये सारे बच्चे, ये शिफाजान इन बच्चों के साथ वही करेगा जो इसने बाकी बच्चों के साथ किया। नहीं नहीं, इसको रोकना होगा। कुछ कर अली, कुछ सोच। जा नहीं सकता तुझे मुझसे। ये तो शिफाजान है, लगता है इसने किसी बच्चे को पकड़ रखा है। Thank you.
किस गुस्ताख ने मुझ पर हमला करने की जरूरत की है? इंसान के हैवान बोया, वो बच्चा जरूर उस जादूगर ने मुझ पे हमला किया होगा और बच्चे को भगा ले गया होगा। बच्चे और जादूगर, तुम ज्यादा देर बच नहीं पाओगे मुझसे। ये सिक्का जिसके पास भी हो वो इसकी असली कीमत पाने के लिए अमन सराय आ सकता है। अमन सराय तो मिल गया, हम दारा गाजी भी मिल जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, अगर आज हमें मरियम नहीं मिली ना तो मार मार के तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल डालेंगे। ऐसी नौबत नहीं आई ग्रेबर, शहजादी मेरी नजरों से बच के नहीं जा पाएगी। ये तो भेस बदल कर हमारा पीछा कर रहा है। लगता है सताम को पता चल गया था कि हम आने वाले। इससे पहले कि वो हमें देखे हमें दारागाजी को ढूंढना होगा। काबुल का सुल्तान हूं मैं, काबुल का तख्त मेरा है। हमें कसम है हमारे अब्बू की, काबुल की इस मिट्टी की और काबुल की आवाम की कि हम आपसे ये तख्त छीन के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें आपकी जान क्यों ना लेनी पड़े। अपने अब्बू की तरह बहादुरी वो सूझबूझ तुम्हें भी है? नहीं, हम दारा गाजी के मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। सत्ताम हमारे सामने खड़ा है, इसी पल उसे मारेंगे हम। क्या कहा था उसने कि हमें हमारी अब्बू की समझदारी और सूझबूझ है, से अब्बू की ताकत दिखानी ही होगी। खुशामदीद ड्राइवर, आपके कमरे में आपकी जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है।
बुरा ख्याल ही रह दिया। जान में तो पैसा ही आवाम, इसीलिए हम परवाज नहीं आया करते। ड्राइवर चलिए आप चलकर अपने कमरे में आराम कीजिए। इस बार तो तू बच गया सत्ताप, लेकिन अपनी मौत से ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। तुम लोग ठीक हो ना? हम ठीक हैं, हम सब ठीक हैं। अभी आके दिखाओ। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है ऊपर वाले का कि शिफाजान ने मेरे बच्चों को कुछ नहीं किया। बेटा गुलरीस की तबीयत कैसी है? ठीक है बाबा, वो सुबह से कमरे में आराम कर रही है। बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, घर के बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर कासिम भाईजान ने बोला तो? कासिम भाईजान ने बोला तब भी घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, और उस शिफाजान के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन क्यों बाबा, कासिम भाईजान तो कहते कि वो शिफाजान एक बहुत नेक हकीम है। कोई नेक हकीम नहीं है वो, बल्कि बहुत खतरनाक इंसान है। बच्चों जो मैं समझा रहा हूँ उस बात को याद रखना, किसी भी सूरत हाल में घर के बाहर नहीं निकलना, अपने कमरे में रह के आराम करना है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। अपने कमरे में जाओ, गुलरेस को देखते हैं। अरे अली, तेरी वो कनीज कहाँ है? पूरे घर का काम पड़ा है, कब करेगी वो? भाभी घर का सारा काम मैं करवाता हूँ, अब हम खा यहाँ पे आके आपने अपने पैरों को तकलीफ दी। आप अपने कमरे में जाइए ना। ये मर्जी ना जाने कहां चली गई। आपका ध्यान कहाँ है मोहतरमा? बहुत खतरनाक होते हैं बिच्छू, एक बार अगर ये डंक मार दे तो दो पल में इंसान की जान चली जाती है। अगर अगली बार ऐसे बिच्छू दिखे तो उनके हमला करने के पहले उन्हें मार देना। मदद के लिए किसी का इंतजार मत करना, क्योंकि जब तक मदद आएगी बहुत देर हो जाएगी। हम मदद का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक दारा गाजी हमें मिलेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। सुल्तान परवाज में, इससे पहले कि वो हमें ढूंढकर हम पर हमला करे, हमें उसे जान से मारना होगा। ताकत दीजिए हमें, ताकत दीजिए हमें, क्योंकि आपकी हिम्मत के बिना हम उसे नहीं मार सकते। ताकत दीजिए हमें ताकि हम उस गद्दार को जान से मार सके और उससे काबुल वापस हासिल कर सके। अरे बाबा तुम आ गए, देखो मैंने आगे का रास्ता बना लिया। बाबा क्या हुआ, ये तलवार क्यों मंगाए? तो खैरियत तो है ना? शिफाजान की गर्दन उड़ाने के लिए बहुत घिनौनी चाल चल रहा है वो। कैसी चाल? जादू के नाम पर बच्चों का इलाज करने की बजाय उनको शैतान में तब्दील कर रहा है वो। ये मैं होने नहीं दूंगा बाबा। लेकिन तू क्या करेगा? ये तलवार लेकर जाऊंगा उसके घर में, और तलवार की नोक पर सारी सच्चाई उसके मुंह से उगलवाऊंगा। ठीक है तो हम भी चलते हैं तेरे साथ। हाँ। नहीं, तुम लोग क्यों आओगे साथ में? बाबा लेकिन वहां खतरा होगा, तुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना तुम दोनों, और मर्जीना का भी। अपने लोगों को ढूंढ रही है वो, अगर मैं ना रहा तो उसके लोगों को ढूंढने में तुम दोनों उसकी मदद करोगे। जिम्मेदारी है तुम दोनों की।
कैसी बात कर रहे हो बाबा? कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ और नहीं तो क्या, और अभी हो तो ये 40 चोरों का सामना भी करना और अपने सवालों का जवाब भी ढूंढना, और तू भूल के कहते ना मकसद क्या है। हाँ बाबा, और जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तुम्हारे दोस्त तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ये देखो नक्शे में मैंने आगे का रास्ता भी बना दिया है और मैं जल्द ही इसे पूरा भी कर दूंगा। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। तुम दोनों जाओ, मैं उस शिफाजान का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। क्या कर रही है आप? क्या आप हमें हथियार चलाना सिखा सकते हैं? हथियार चलाना तुम्हें क्या मारना है? दीवार की छिपकली? मेरे कहने का मतलब है कि तुम शाही खानदान की नाजों से पली हुई लड़की हो, हथियार चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है हम लड़ नहीं सकते? लेकिन लड़ना क्यों है? जान लेनी है किसी की? हाँ लेनी है। और आप हमें हथियार चलाना सिखाएंगे, समझे? कौन हो तुम? मर्जीना कहाँ है? जान लेनी है, हथियार चलाना है, बातें कैसी कर रही हो तुम? हमें बस किसी की जान लेनी है और ये वक्त आपके सवालों के जवाब देने के लिए मुनासिब नहीं है। जब सही वक्त आएगा हम आपके सवालों के जवाब आपको खुद दे देंगे। फिलहाल आप हमें हथियार चलाना सिखाएं। जैसा तुम कहो, नर मुनासिब। वैसे तुम्हें जान लेनी कैसे है? एक ही झटके में या फिर दर्द भरी? एक ही झटके में सर धड़ से अलग करना बहुत ही आसान मौत होगी। हम उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। पूरे काबुल में उसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। उसकी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहते हैं हम। नरमो नाजुक की शख्सियत का ये पहलू पहली बार देख रहा हूं। कुछ तो गहरे जख्म छुपे हैं मर्जीना के बीते कल में।